तो आज मैं कुछ मतलब पांच चीजें के बारे में बताने वाला हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस में, जो आपको नहीं करनी चाहिए। आप नूब कहलाओगे उसको करोगे तो, या बॉट कहलाओगे जो भी कहे। तो सबसे नंबर पहले पे है आपको क्या नहीं करना। जैसे ये है फॉर्ज, ठीक है, फॉर्ज में आए, यहाँ से जल्दी जितनी जल्दी हो सके कलेक्ट कर लेना है। तो टाइम देखते रहना, ठीक है, क्योंकि कलेक्ट कर लोगे ना इससे तो आपको फ़ायदा रहेगा। मैं जैसे कलेक्ट कर लोगे तो टाइमर आ जाएगा, कलेक्ट नहीं करोगे तो फिर टाइमर आएगा, रखे रहोगे तो जमा होते रहेंगे। मेरे हिसाब से तो ये रखे रहने से कुछ नहीं होता, मतलब आपको कलेक्ट करना चाहिए बार बार। नंबर दूसरा को बिल्डर हॉल में जैम बॉक्स के साथ क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये मेरे में दिखा रहा है जैम है, ठीक है, अब मुझे नहीं पता कितने जैम है इसके अंदर, पता कैसे चलेगा इसके अंदर कितने जैम है। देखो आपको सिंपल कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको किसी भी वॉल पे टच करना है, ठीक है। ये किसी भी वॉल पे टच करे, देखो ये जैम का इस हिसाब किताब गायब हो गया, देखो अब आ रहा है, अब चला गया। अब ऐसा हर चीज़ में कर सकते हो, ऐसा कॉइन में भी कर सकते हो, एलेक्जर में भी कर सकते हो, कितना जमा रखा है। देख एलेक्जर का देख रहा हूँ मैं, अब इसके अंदर आई के बटन में दबाऊंगा, इसमें अभी है 5403, ये देखो सेकेंड में बन रहे हैं, आपको पता चलता रहेगा आराम से। फिर से वॉल में टच करना है, फिर जैम बॉक्स में जाना है, फिर आई के बटन में दबाना है। अभी मेरा है 20 की कैपेसिटी है मेरी, और अभी एक ही जैम है इसके अंदर, तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। नंबर तीसरा, अब नंबर तीसरे में क्या है, अब जैसे ये बहुत सारे पेड़ पौधे हो जाते हैं ना साइडों में बहुत ज़्यादा, तो आपको उन्हें खट्टा करके रखना भाई, खट्टा, ऐसे नहीं भाई जैसी आए गायब कर दी, जैसी आए गायब कर दे। तुम मुझे तो एकदम चिकना बेस चाहिए, मुझे तो चिकना बिल्कुल एकदम सपाट बेस चाहिए भाई, सपाट बेस की वजह से तुम्हारे जैम चले जाएंगे। ये देखो आप खट्टा बेस करके रखो, खट्टा करके रखोगे पेड़ पौधे सारे साइडों में एकदम, अब उससे फ़ायदा क्या होगा। देखो फायदा, नुकसान तो कुछ नहीं होगा, नुकसान बस तुम्हारा थोड़ा ही बेकार से लगेगा, पर भाई फ़ायदा भी तो देखो ना भाई, जैम का फ़ायदा हो रहा है जो तुम्हें पैसे लेके खरीदने पड़ेंगे आगे जाके। तो देखो अब जैसे बहुत सारे इकट्ठे कर रखे, तुम्हें जब जैम की ज़रूरत है, ठीक है, अब तुम सारे को सारे के सारे क्लियर करोगे ना भाई, बहुत सारे जैम बन जाएंगे। नंबर चौथा, अब चौथे में है हमारा डार्क एलेक्सर के बारे में, या कोई भी स्टोरेज हो। अब देखो सिंपल है, सिंपल जैसे ये तुम्हारे डार्क एलेक्सर है, तुम्हारे मतलब मैक्स होने वाला है बेस, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। अब डार्क एलेक्सर क्या करना है, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, पर इससे तुम अपना मिशन कर सकते हो सबसे तगड़ा वाला, जो है अपने ट्रूप्स को जो उस पर बूस्ट करना पड़ता है, ये बूस्ट करना पड़ता है इसके लिए। तो इसमें हमने बार बार लगा के इसमें ही अपना 25,000 का वो लगा सकते हो, तो इससे ना तुम्हारा ट्रूप्स भी ये बूस्ट रहेंगे इस चीज़ से, ठीक है। अब इससे फ़ायदा है तुम्हारा एक मिशन पूरा हो जाएगा, अब मिशन पूरा करोगे तुम्हारा ये भी बढ़िया लगेगा हर चीज़ में, जैसे टिक टिक रहेगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो मिशन में तुमको जैम भी मिल जाएगा, और बताओ तुम्हें जैम मिल जाएगा, जैसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये देखो मैंने 6 कर रखे, जिसे मुझे अभी ज़रूरत है तो मैं इसलिए कर नहीं रहा, नहीं तो जब ज़रूरत नहीं थी तो मैं बार बार कर रहा था, तो मैं इसे जैम भी मिल जाएंगे, ठीक है। नंबर पाँचवा और आखिरी में ये है कि जैसे तुम सिंगल प्लेयर मैच खेल लो ये गोब्लिन वाला, ठीक है, तुम खेलना स्टार्ट नहीं करा, ठीक है, तुम स्टार्ट मत करो इसे, कोई जरूरत ही नहीं है भाई स्टार्ट करने की। जैसे तुम पहुंच गए टाउन हॉल 12th में या ऐसे 13th में, तो तुम्हारे ना बहुत सारी जितने भी दिख रहे हैं ना, आधे से ज़्यादा तो तुम्हारा वो किंग क्वीन ये सभी कर लेंगे पूरा एकदम, इतने बहुत सारे कर लेंगे, तो तुम्हारा उस टाइम फ़ायदा होगा। तुम जब पैसे की ज़रूरत पड़े तब आ जाना इसमें, ठीक है, और कोई भी मतलब ऐसे बिना मतलब इसे मतलब, या तो इससे मिशन भी कर सकते हो अपना भाई, शुरुआत बहुत दूर तक तुम किंग क्वीन के साथ ही निकाल सकते हो ये सारे के सारे बेस, जब तुम्हारे किंग क्वीन ज़्यादा लेवल के हो जाएंगे। ऐसा नहीं तुम स्टार्टिंग में करने लग जाओ तो थोड़ी मतलब स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, ठीक है, आगे जाके जब करोगे ना, जब मतलब इसके मिशन पूरे होंगे जैम मिलेगा तो बढ़िया रहता है, ठीक है। बोनस ट्रिक भी बता देता हूँ तुम्हें, जैसे प्रैक्टिस मोड है, ठीक है, अब ऐसी लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई, प्रैक्टिस मत करो, अभी मत करो जब तुम्हें लूट की ज़रूरत हो, इसमें लूट भी मिलता है, ऐसा नहीं, देखो जब ज़रूरत पड़ती है तो ही जाया करो, देखो कितने सारे लूट मिल रहे हैं इसमें, ऐसी थोड़ी ना, जब तुम्हें लूट की ज़रूरत हो तब इस प्रैक्टिस को खेला करो, वैसे खेल भी लोगे और तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, स्टार भी करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें फुल, तुम्हें वो प्रैक्टिस ही जब दिखाएगा उसी टाइम तुम्हारे सारे पैसे आ जाएंगे, तो फ़ायदा ही फ़ायदा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो देख के मज़ा आया हो तो लाइक कर देना, आज 5 टिप्स बताए मैंने तो आप लोगों को जो
क्लैश ऑफ क्लैंस में आपको बना सकता है नूब से प्रो तक। ऐसे मैं भी बन रहा हूँ फिलहाल, तुम लोग भी बन सकते हो। तो अगर चैनल पे नहीं, वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर नहीं अच्छा लगा तो कुछ नहीं कर सकता मैं। और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छा लगा तो कुछ भी, और नहीं लगा तो कुछ नहीं कर सकता मैं। और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, ऐसा कोई बंदा है उसे बता सकते हो, ऐसा कोई बंदा है जो ये बकवासी वीडियो बनाता है उसके भी चैनल सब्सक्राइब करवा सकते हो उससे भी। तो चलो गाइस, फिलहाल के वीडियो में यही था। सायोनारा। नारा में जाएंगे घूमने।